1 दिसंबर यानी वर्ल्ड एड्स डे, और वर्ल्ड एड्स डे जिस तरह से आप सब लोग जानते ही हैं कि पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, और इन अगर आज यहाँ पर हम आए हैं तो यहाँ पर जो है चर्चा का विषय ये रहेगा कि एड्स जो है वो किन कारणों से फैलता है, उसकी प्रिवेंशन क्या है, उसके काजेज क्या हैं, और कितनी गति से जो है वो एड्स जो है वो फैलता है। और यहाँ पर एक अगर हम बात करें, एक सोशल स्टिग्मा है कि अगर हम एड्स के व्यक्ति के पास जाएँ यानी उस पेशेंट के पास जाएँ, उसे हग करने से, उसके साथ खाना खाने से, उसके साथ कम्युनिकेशन करने से जो है ये एड्स जो है फैलता है। लेकिन अब हम बात करें, ये एक सोशल टैबू था, यहाँ पर जो है हमारी सोसाइटी बहुत आगे बढ़ चुकी है और सोसाइटी ने इन सब चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ दिया। और पीछे छोड़ने के साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उसके साथ ये है कि साइंस ने ये सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी को HIV है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पास बैठेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे जो है आपको एड्स होगा। मैं आपको बता दूँ एड्स होने के क्या कुछ कारण रहते हैं। एड्स होने का कारण है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, यानी 80% जो केसेज हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन की वजह से होते हैं। दूसरा कारण है जो ब्लड, यानी एक व्यक्ति का खून जो दूसरे व्यक्ति में जाएगा उससे जो है HIV/AIDS का खतरा जो है वो ज़्यादा रहता है। और अगर मैं तीसरे कारण की बात करूँ, आपने इसे ट्रांसफॉर्मेशन सुना ही होगा कि एक सिरिंज से ज़्यादा बार इंजेक्ट करने से जो लोग नशा करते हैं उससे भी जो है एड्स फैलता है। और अगर मैं चौथे कारण की बात करूँ, तो चौथा कारण जो ये है कि मदर टू चाइल्ड में, यानी अगर माँ को एड्स होगा तो उसके जन्म लेने वाले बच्चे को भी एड्स होगा। यही चार कारण हैं जिनसे जो एड्स है वो फैलता है। इन चार कारणों के अलावा कोई भी ऐसा कारण नहीं है जिससे एड्स फैल सकता है। और आज यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैं गांधीनगर कला केंद्र में हम, तो यहाँ पर आप देखिए वर्ल्ड एड्स डे मनाया जा रहा है। JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी है जो यहाँ पर इसने इनिशिएटिव लिया है कि किस तरह से अगर हम एड्स की बात करते हैं उसे किस तरह से जो है वो रोका जाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आज बहुत से लोग भी एकत्रित हैं। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको खूबसूरती दिखाऊँ कि कैंडल्स के बीच में जो है एड्स का मार्क जो है वो बनाया गया है। आप जानते ही हैं इस मार्क का महत्व है, 1 दिसंबर को ये एड्स का जो मार्क बनाया गया है। तो इसे मैं आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको अंदर के विजुअल्स दिखा दूँ। हम यहाँ पे बच्चों की बनाई हुई पेंटिंग्स दिखाते हैं, जो अगर हम सेमिनार की बात करते हैं तो सेमिनार जो था यहाँ पे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जिस तरह से आप देखिए सब बच्चों ने वर्ल्ड एड्स डे पे जो है ये तस्वीरें बनाई हैं। ये देखिए किस तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं कि एड्स को जो है वो किस तरह से रोका जाए। इनसे बात करें, हेलो हेलो, क्या नाम है आपका? स्प्रेहा। मैम, ये जो आपने बनाया इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे, एक्सप्लेन करके? ये एड्स डे के रिलेटेड रंगोली है। इस बार का जैसे कि है कि एंड इनइक्वालिटीज़। हम लोग क्या करते हैं, हमें जैसे ही पता चलता है कि हाँ जी किसी पर्सन को एड्स है, हम उसे दूर हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि एड्स वाले पर्सन के साथ रहना चाहिए। एड्स जो है टच से नहीं फैलता है, एड्स जो है थ्रू ब्लड से, जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, फ्रॉम मदर टू फीटस से जो है वो फैल रहा है। तो हम इतना उसे क्यों उसके साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं? अगर मे बी ऐसा नहीं है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ही नहीं लेता, वो बताता ही नहीं है कि मुझे एड्स है, तो बहुत से कारण मैम ऐसा भी रहता है कि वो टेस्ट भी नहीं करवाना चाहते। वो ऐसा चाहता ही नहीं है कि मैं पॉजिटिव आऊँ और लोग जो है मुझे डिस्क्रिमिनेट करें, मुझे जॉब्स नहीं मिलेंगी। तो इन सब को एंड करने के लिए हमें यही है कि जो ये इनइक्वालिटीज़ हो रही है उनके साथ उसको एंड करो। एड्स जो एड्स वाले पेशेंट के साथ हम अगर रहेंगे, दैट डजंट मीन कि हम एड्स पॉजिटिव हो जाएंगे। ये जो व्यक्ति हैं, शायद आपने ये रेड कलर के बनाए हैं पर्सन, इन्हें एड्स है शायद इस पिक्चर जी, जी इसे एड्स है, और बाकी जो है इसके साथ इसके कॉन्टैक्ट में रहते हैं, डजंट मीन कि उन्हें एड्स हो जाएगा। एक यही मैसेज है जो मैं इसके थ्रू बता रही हूँ। मैसेज आप देना चाहेंगी? मैं जस्ट यही कहना चाहती हूँ कि एड्स वाले जो पर्सन है उनके साथ इनइक्वालिटीज़ जितना हम कम करना स्टार्ट कर देंगे, उतना ही जो है ना एड्स कम हो जाएगा। क्योंकि वो सामने आएंगे, वो अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, और अगर हम उनके साथ ही रहेंगे तो वो छुपाएंगे क्यों इस डिज़ीज़ को? इस डिज़ीज़ को हमने ही ऐसा बनाया है कि लोग जो है ना ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ना हॉस्पिटल्स जा रहे हैं प्रॉपरली, वो अपने आप को हाइड करना चाहते हैं, नहीं किसी को पता ना चल जाए मुझे एड्स है। तो चलिए मैं आपको दूसरी पिक्चर भी यहाँ पर दिखाती हूँ। इस तरह से यहाँ पर रेड रिबन क्लब की बात करें, JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी जो यहाँ पर पेंटिंग्स बना रही है और ये बता रही है कि किस तरह से जो है एड्स को रोका जाए। और एक टैबू की बात करते हैं, एड्स होना कोई टैबू नहीं है। ये अब जो सोसाइटी है काफ़ी वेल एजुकेटेड हो चुकी है, और इस तरह से जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल आसान हो जाता है अगर हम उनके साथ रहें तो। जिस तरह से हम HIV/AIDS की बात करते हैं, बहुत से NGOs जो हैं वो इनके लिए जो है काम करते हैं, किस तरह से इसे कंट्रोल किया जाए हमारी सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। तो हमारे साथ एक NGO ऐसे ही है, मैं आपको बता दूं, JKSPYM NGO है, ये इनकी मैम है, और हम इनसे जाने, क्या नाम है मैम? जी, मेरा नाम पूजा है।
मैं JKSPYM जम्मू कश्मीर सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर। मैं 2012 से इस प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। हम टारगेट इंटरवेंशन प्रोग्राम चला रहे हैं जो कि इंजेक्टिंग ड्रग यूज़र्स पे काम करता है। बेसिकली हम लोगों को क्या रहता है कि ये लोग नशा तो कर रहे हैं बट जो और बाकी बीमारियाँ हैं, नशे से हो रही हैं, ब्लड बॉर्न डिजीज़ हो रहे हैं, जैसे HIV हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, इन सब से ये लोग जो हैं वो बच सके, जिसके लिए हम इनको अपने प्रोग्राम के अंदर नई नीडल सिरिंज देते हैं, ठीक है, और पुरानी इनसे वापस लेते हैं ताकि जो बार बार एक दूसरे की जूठी नीडल सिरिंज लगाने से HIV का खतरा जो है वो बढ़ता रहता है और हमें किसी का स्टेटस पता नहीं रहता है जब हम नशे की हालत में रहते हैं। तो हम लोग इनको नई नीडल सिरिंज देते हैं, इनका HIV टेस्ट साल में 2 बार करते हैं 6-6 महीने बाद। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ART लिंक करवाना भी हम लोगों का काम रहता है। इसके अलावा हम लोग सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्या उनकी प्राइवेसी रखी जाती है जो नहीं चाहते? बिल्कुल बिल्कुल, जो जितना भी डेटा हमारे पास है, अभी तक मेरे पास 1305 जो रजिस्टर्ड हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल है। ऐसा कुछ भी एक भी डेटा जो है ऑफिस से बाहर कहीं भी नहीं जाता है। तो आगे आने वाले समय में आपका जो NGO है वो किस तरह से जो है इनकी और मदद करेगा, और आपके कैंप्स की अगर बात करें वो कहाँ कहाँ पे लगाए जाते हैं, और लोग आप तक किस तरह से आ सकते हैं? लोग जो है बेसिकली पीयर एजुकेटर की मदद से हम तक पहुँचते हैं। कुछ हमारे आउटरीच वर्कर हैं जो कि फील्ड में ही रहते हैं। हम लोग 1990 से नशा मुक्त पर भी काम कर रहे हैं। हमारा मेन जो है सेंटर मशोरा केंद्र पुरखू में है, वहाँ नशा मुक्त पर भी काम किया जाता है। हमारा ODIC सेंटर, डे केयर सेंटर भी चल रहा है। तो बहुत सारे हम लोगों के पास अभी जो हैं SPYM के पास प्रोजेक्ट है जिसमें एक जो है हम HIV प्रिवेंशन पे काम कर रहे हैं। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि आज 1 दिसंबर है, 1 दिसंबर यानी आज वर्ल्ड एड्स डे है, और अगर हम बात करें पूरे देश भर में जो है इसे मनाया जा रहा है, और इसी के साथ अगर हम बात करें अभी हम जम्मू में हैं और जम्मू में हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा हैं और हम इनसे बात करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो गांधीनगर, तो हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, चलिए आज के दिन तो बताया जाएगा किस तरह से जो इसके काजेज़ हैं प्रिवेंशन के बारे में, लेकिन अगर हम इसके अलावा बात करें तो किस तरह से जो है आप लोगों को अवेयर करते हैं? इस बार हमने जो है प्रोजेक्ट डायरेक्टर JNK एड्स कंट्रोल सोसाइटी डॉक्टर समीर मट्टू और हमारी जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर शशि सूदन शर्मा, उनकी डायरेक्शन पर हमने वर्ल्ड एड्स डे का कैंपेन किया, जो हमने 1 वीक सेलिब्रेट किया 26, 27, 28 और 29, 30 नवंबर को। उसमें हमने बच्चों से पोस्टर कंपटीशन करवाया, जो आप पोस्टर यहाँ पे देख रहे हो लगे हुए हैं। उसके अलावा हमने सेमिनार कराया बच्चों का, जिसमें इंग्लिश में, हिंदी में, उर्दू में, एंड देन पोइम कंपटीशन था डोगरी में, कश्मीरी में, लद्दाखी में, एंड देन उसके बाद हमने बच्चों को बाहर लेके गए हॉस्पिटल से, नुक्कड़ नाटक जो स्ट्रीट प्ले जो पब्लिक को अवेयर करने के लिए होते हैं, हमने गोल मार्केट और एडजॉइनिंग एरिया में 6-7 नुक्कड़ नाटक हमने 2-3 दिन लगातार किए। और कल जो लास्ट डे था, हमने कुछ इंजेक्टिंग ड्रग यूज जो नशा सुई से करते हैं उनको इनवाइट किया था, 15-20 लोग आए थे, उनकी इंट्रेक्शन हमने कराई। डॉक्टर आरती बख्शी जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, और डॉक्टर शबनम रीम्स जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज की, वो काउंसलर्स हैं, उनसे उनकी इंट्रेक्शन कराई। IDUs की अपनी बहुत प्रॉब्लम है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है HIV एड्स को स्प्रेड करने के लिए, अगर एक ही सिरिंज का इस्तेमाल कई लोग नशा लेने में करते हैं तो उससे HIV होने की चांसेस होती हैं। उनकी कल इंटरेक्शन बहुत बढ़िया हुई, और उससे है कि आस्ता आस्ता उनका भी और हमारे स्टाफ की भी अवेयरनेस, पब्लिक की अवेयरनेस भी ये वीक सेलिब्रेट करने से हमने की है। सर जिस तरह से अगर हम बात करें, एक जिस तरह से आपने बताया कि एक ही सिरिंज के ज़्यादा बार यूज़ करने से, और उसके अलावा जिस तरह से नशा करने से, उसके अलावा क्या कारण होते हैं HIV बढ़ने के? HIV के बेसिकली ट्रांसमिशन के जो हैं ये आपके 4 ही कारण हैं। एक तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो होती है, जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी वर्ल्ड ओवर की जाती है, 80% जो मरीज हैं वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन, वेदर वो होमोसेक्सुअल हो या हिट्रोसेक्सुअल हो। सेकेंड नंबर जो है सिरिंजेस, नीडल्स, या आप जैसे कान छिलवाती हैं, आप अपने नाक सिलवाते हैं, हम टैटूज बनाते हैं, तो अगर वो एक ही इंस्ट्रूमेंट कई लोगों पर लगातार इस्तेमाल किया जाए तो एक का ब्लड दूसरे तक पहुँच सकता है। तीसरा कारण जो आपका है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बड़े मात्रा में ब्लड जो है मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाया जाता है, तो वो एक तीसरा कारण। और चौथा कारण माँ से बच्चे को, अगर मदर प्रेग्नेंट हो, पॉजिटिव हो, तो अपने बच्चे को दे सकती है, पर अगर इसकी जानकारी लोगों को हो, मदर्स को खासतौर पर हो, कि मेरा बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव होने के बावजूद, कि अगर वो अस्पताल में दिखाए, चेक कराए, एंड कुछ मेडिसिन हम ART देते हैं जिससे बच्चा नेगेटिव हो सकता है, ब्लड अगर हम टेस्टेड चढ़ाएँ तो बच सकते हैं। नशा करने वाले अगर एक सिरिंज का इस्तेमाल करें या इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली स्टरलाइज कर लिया जाए तो इनसे हमारा जो है बचाव किया जा सकता है। जिस तरह से आपने टैटू की यहाँ पर बात की, लेकिन आप देखिए कि नाउ ए डेज की टैटू जो बनवाना काफ़ी पॉपुलर हो गया, तो इससे भी जो है एड्स का खतरा रहता है, तो किस तरह से जो है टैटू के साथ साथ हम इस जो खतरे से जो है बच सकते हैं?
टैटू के खतरा, टैटू बनाने से कोई खतरा नहीं है, टैटू लोग बनाएं, यंग लोग टैटूज बनाते हैं, बड़े लोग टैटूज बनाते हैं, हाँ, बट उसमें वही है कि जिस इक्विपमेंट से टैटू बनाया जाता है उसको प्रॉपरली स्टरलाइज कर लिया जाए, सिपरेट से किसी से इक्विपमेंट से उसको स्टरलाइज कर लिया जाए और उसको फिर यूज़ किया जाए। जी बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में अभी तक एच आई वी के कितने केसेज होंगे? एग्जैक्ट जो उसकी डाटा है वो एड्स कंट्रोल सोसाइटी ही आपको बता सकती है, पर अभी ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, जो हमारे पास केसेस अगर हमें पता होंगे उसके अलावा बहुत सारे केसेस हैं जो आइसोलेट नहीं हुए हैं, पहचाने नहीं किए हैं, क्योंकि लोग टेस्टिंग के लिए आगे नहीं आते हैं, तो टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान टेस्ट करवाता है और इसको वायरस को पहचानता है तो अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है। एचआईवी पॉजिटिव होने का मतलब नहीं है कि बीमारी लगी, एचआईवी पॉजिटिव एक स्टेटस है, खाली वायरस आपके ब्लड में है, बीमारी आने के लिए उसको 10-12 साल और उसके बाद एआरटी ड्रग्स भी अवेलेबल है, तो इंसान अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकता है। अल्टीमेटली डेथ तो सब क्यों नहीं है, ठीक हो सकता है, यस ठीक, बीमारी ठीक नहीं हो सकती बट लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, लाइफ को लंबे समय तक। सर एक आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पे, एक टैबू की तरह जो है इसे माना जाता है, तो आपको क्या लगता है कि ये टैबू जो हमारी सोसाइटी में, अभी तो लोग बहुत वेल एजुकेटेड हो गए हैं, लेकिन अगर हम फ्यू ईयर्स लेटर में जाएं तो लोग जो है इसे एक टैबू की तरह मानते, एक स्टिग्मा मानते, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी सोसाइटी जो हमारी काफ़ी पढ़ी लिखी हो चुकी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि एचआईवी पॉजिटिव होना या एड्स होना, उसके साथ बैठने से, उनके साथ खाना शेयर करने से, उनसे पानी शेयर करने से, उनके साथ सोने से, उनके साथ टॉवल शेयर करने से, कपड़े शेयर करने से नहीं होता। ये चार ही कारण हैं जो होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन, ड्रग्स एंड मदर टू चाइल्ड। तो बैठने से, बात करने से, हग करने से, किस करने से, गले मिलने से ये नहीं हो सकता। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरुण शर्मा जी, जिस तरह से इन्होंने बताया एचआईवी एड्स के क्या कुछ कारण रह सकते हैं, और ये भी इन्होंने बताया जो लोग इसे एक टैबू मानते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा जो है बातें इन्होंने हमारे साथ शेयर की, अपने व्यू शेयर किए। तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।